वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस नाइट राइडर्स सीपीएल मैच जो खेला जाएगा ब्रिजटाउन में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सो मैच होने वाला है केनिंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन में, मैच खेला जाने वाला है। अब ब्रिजटाउन में जो मैचेस हुए हैं और स्पेशली अगर हम देखें सीपीएल में जो मैचेस हो रहे हैं, बॉलर्स यहां पर डोमिनेट करते हैं। 34 मुकाबलों में जो पहली बार पहले खेलता है उनको ज्यादा एडवांटेज रहता है। 21 बार टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती है और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहा है वो 155 का रहा है। अगर हम रीसेंट मैचेस देखें तो जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया का 176, यूएसए 115 और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस जो उससे पहले हुए थे 128, और इनमें यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने 24 विकेट और 11 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। लेकिन सीपीएल में मुझे लगता है स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे इस मैच में भी, और स्पिनर्स अच्छा कर सकते हैं। दोनों टीम्स के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं। अगर हम बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की, 23 मुकाबलों में 14 नाइट राइडर्स ने जीते हैं, बारबाडोस ने जीते हैं यहाँ पर 9 मुकाबले। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हमारे नाम के। रेगुलर वीडियोज आपके लिए आ रही है, चाहे वो लर्निंग वीडियो हो चाहे वो मैच प्रीव्यू वीडियो हो। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स की। तो अगर हम पहले बात करें बारबाडोस की, सो रकीम कॉनवेल ओपन करेंगे यहाँ पर डीकॉक के साथ, एथेनिस है, रॉबमान पॉवल है, डेविड मिलर, क्लार्क आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर जेसन होल्डर, केशव महाराज, तीक्षणा, नवीन उलक, एबोट मकोय आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टीकेआर की, नाइट राइडर्स की तरफ से जेसन रॉय ओपन करेंगे सुनील नारायण के साथ, पेरिस है, निकोलस पूरन है, केटी कार्टी है, फिर पोलार्ड आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, एड्रियस कॉश है, अकील हुसैन, जेडन सील्स, टेरन सेंट्स और यहाँ पर सलम खिल आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि विजन 11 ऐप हो चुकी है अब TDS फ्री। तो अगर आपके पास ऐप नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, आपको 100 रुपए का रियल कैश भी मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर बात करते हैं बारबाडोस की। सो यहाँ पर कॉनवेल ओपन करेंगे जिनकी पिछले दोनों मैच में बत्तख लगी है, दोनों मैच में कुछ नहीं किया है, एक एक ओवर मिल रहा है और ओपन कर रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी में है पोटेंशियल कि ये पॉइंट्स दे सकते हैं ग्रैंड लीग में, इस खिलाड़ी को ना आप जरूर ट्राई कर लेना। और अगर आप मेगा ग्रैंड लीग में हाई रिस्क खेलते हैं तो एक आधी टीम में वाइस कैप्टन या कैप्टन करने का रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। स्मॉल लीग में अगर आप रिस्की टीम बनाते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे डीकॉक काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और 2 मैच में 59 रन है, 1 मैच में 48 रन है इस वेन्यू पे, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस बन जाते हैं आपके लिए स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर वन डाउन बैटिंग करने नजर आएंगे एथेनिस, जिनका सिलेक्शन काफी कम होगा लेकिन इस प्लेयर में दम है, ये आपको पॉइंट्स देने की क्षमता रखता है। 34-6, 42-5, 17-6 रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही है, ज्यादा अच्छी नहीं लेकिन पोटेंशियल है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। रॉबमान पॉवल 15-19-45 बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहे हैं लेकिन ठीक ठाक आ रहे हैं कि आपको 15-20 चल गए तो 40-50 भी बनाकर दे सकते हैं। इस वेन्यू पे अच्छे नंबर है, 7 मैच में 130-43 के औसत से हैं, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई किए जा सकते हैं, बाद में शायद बैटिंग आ जाना है वो एक हमेशा रिस्क रहता है। डेविड मिलर की बात करें, लास्ट मैच खेले थे, 3 मैच में 44 रन है, ये खिलाड़ी अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप इनको ट्राई कर सकते हैं। चेजिंग के टाइम पे बैटिंग ना आने का एक थोड़ा सा रहता है, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए मेरे हिसाब से रॉबमान पॉवल से बेटर विकल्प जो है वो मिलर बन सकते हैं। फिर यहाँ पर रिवाल्डो क्लार्क आएंगे, उतना रिकमेंड मैं नहीं करूंगा इनको, इवन दो प्लेयर अच्छा है, अच्छा करने की क्षमता है, बट स्टिल रिस्की रहेंगे स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर जेसन होल्डर की बात करें, सो जेसन होल्डर 2 विकेट 17, 2 विकेट 13 मैच में 12 विकेट, वेन्यू पे 25 में 25 विकेट, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देते हैं, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस आपके लिए बन सकते हैं। केशव महाराज एक डिफरेंशियल पिक साबित होंगे, मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है विकेट्स निकालने की, 2-3 विकेट निकाल के भी दे सकते हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था तो मेरी टीम में रहेंगे और ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। तीक्षणा की बात करते हैं, तीक्षणा 0-2-2 और ये अच्छा कर रहे हैं, 1 मैच में वेन्यू पे 0 विकेट है जो लास्ट मैच था, लेकिन ये प्लेयर अच्छा है और आपको 4 ओवर पूरे करके देता है, सो इस टीम से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवीन उलक फाइनली थोड़ी बहुत फॉर्म में आए, 1 मैच में 2 विकेट है इस वेन्यू पे जो लास्ट मैच में आए हैं और 4 में 4 विकेट है, अब ये डेथ बॉलिंग करते हैं तो ये आपको एंड के ओवर में विकेट निकाल के दे सकते हैं, सो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई किए जा सकते हैं।
यहाँ पर आपको दिखेंगे मैकॉय, मैकॉय की बात करें लास्ट मैच में थोड़ी पिटाई हुई है और इस वेन्यू पे उतने अच्छे नंबर नहीं है ना हेड टू हेड में, लेकिन ये खिलाड़ी डेथ में अच्छी बॉलिंग डालता है और ये विकेट निकाल सकता है। अगर पहले बॉलिंग आती है तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं ओवर नवीन उलग, लेकिन अगर वैसे बात करनी हो रैंकिंग कौन सा बॉलर कैसा है तो मुझे लगता है महेश तीक्ष्णा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो पहली पिक होनी चाहिए। आप स्पिनर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है तो क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करते हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बेंच पे दिख जाते हैं वेलल, आगे खेलेंगे तो मस्ट हैव पिक आपके लिए बन जाती है, आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। बात करते हैं स्टार्टिंग और डेथ ओवर की, तो स्टार्टिंग में तीक्ष्णा और होल्डर नजर आएंगे, डेथ में आपको मैकॉय, नवीन उलक और होल्डर भी नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टीकेआर की, सुनाइट राइडर्स की तरफ से ओपन करेंगे जेसन रॉय सुनील नारायण के साथ। जेसन रॉय रीसेंट फॉर्म में बड़ा कन्वर्जन नहीं आ रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है जब चलेगा आपको कैप्टन वाली परफॉर्मेंस दे सकता है, तो ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं। सुनील नारायण इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग से लगातार दो दो विकेट तो निकाल ही रहे हैं, प्लस बैटिंग से जो कुछ आएगा वो एक्स्ट्रा होगा, तो कैप्टन वाइज कैप्टन की बेस्ट चॉइस बन जाते हैं इस मैच में। चाहे तो आप इन्हें मल्टीपल टीम्स में भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइज कैप्टन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे पेरिस, जो एक डिफरेंशियल पिक है, लास्ट मैच में 57 बनाए, उससे पहले 31, उससे पहले 13, तो तीनों मैच में थोड़ा अच्छा ही किया है और अच्छा प्लेयर है, अच्छी क्षमता रखता है, कुछ अलग ट्राई करना है तो पेरिस, जिनकी फॉर्म अच्छी है आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। निकोलस पूरन की फॉर्म अच्छी है, पिछले दो मैच उतने अच्छे नहीं गए, 17 और 0, 8 मैच में 149 रन है, 15 में 313 रन है, इस वेन्यू पे इंपॉर्टेंट है और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक चॉइस बन जाती है स्मॉल लीग में। केटी कार्टी आएंगे, लास्ट मैच 15, उससे पहले 34, उससे पहले 73, अच्छा खेल रहा है लेकिन थोड़ा नीचे बैटिंग करता है जिसकी वजह से स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट बैटिंग फर्स्ट करते हुए ग्रैंड लीग में ट्राई किए जा सकते हैं। पोलार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, लास्ट मैच में 2 ओवर कराए और 1 विकेट ले लिया, उससे पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे लेकिन अब क्योंकि बॉलिंग कर रहे हैं सो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एज अ नॉर्मल प्लेयर आप अपनी टीम में जरूरी इन्हें कंसीडर करना। फिर यहाँ पर एड्रियस घोष आ जाते हैं, अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो अच्छा खिलाड़ी है, बट अगर इतना नीचे खिलाएंगे तो फिर इतना यूज नहीं है, तो ओनली फॉर ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। अकील हुसैन इस वेन्यू पे उतने अच्छे नंबर नहीं है, 10 मैच में सिर्फ 6 विकेट है, हेड टू हेड में 1 में 2 विकेट है, पिछले 2 मैच से 0-0 विकेट निकले हैं, उससे पहले 1-1-1, तो बहुत अच्छी फॉर्म तो नहीं है, बट प्लेयर अच्छा है, सो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। जेडन सील्स लास्ट मैच खेले, अच्छा इफेक्टिव बॉलर है, लेकिन इनके 4 ओवर पूरे होंगे या नहीं होंगे वो हमेशा डाउट रहेगा, क्योंकि 2 ही ओवर लास्ट मैच में करे थे, 2 पोलार्ड ने करे थे, तो रिस्की रहेंगे स्मॉल लीग में। टेरेंस हिंस ये एक डिफरेंशियल खिलाड़ी बन सकते हैं, सिलेक्शन कम होगा, अभी तक हर मैच में विकेट निकाला है, जिसमें नहीं चले उसमें रन बना दिए, और ये डेथ में बॉलिंग करता है, ये इस टीम का डेथ बॉलर है और 4 ओवर अभी तक पूरे कर रहा है, तो ये एक आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकती है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, अगर स्मॉल लीग में नहीं कंसिडर करना तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना। फिर यहाँ पर आए थे समाल खेल, जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट हर मैच में 2-2 विकेट निकाल रहे हैं, तो स्मॉल लीग में एज अ नॉर्मल प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेंच पे आपको कुछ खिलाड़ी दिख जाते हैं, लिटिल हैं, रसल हैं, खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग और डेथ ओवर की, तो यहाँ पर हुसैन और जेडन सील्स आपको नजर आएंगे, डेथ में हिंट्स और समाल खेल आपको नजर आ सकते हैं। स्मॉल लीग कैप्टन वाइज कैप्टन की बात करें, 3 ही बेस्ट चॉइस नजर आ रही है, मुझे लगता है इन्हीं में से ही हर कोई करेगा कैप्टन, मुझे लगता है सबका ही नारायण रहेगा, वाइस कैप्टन पूरन या एडिकॉक में से आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो होल्डर, जेसन रॉय, महाराज या पोलार्ड को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। विनर प्रेडिक्शन की बात करें, दोनों टीम्स काफी अच्छी है, बट मुझे टीकेआर की टीम जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आती है, तो मुझे लगता है ये वाला मैच जो है टीकेआर विन कर सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की। सेक्शन में 4 ऑप्शन आ जाते हैं, पूरन है, डीकॉक है, गौश है, क्लार्क है, मैंने पूरन और डीकॉक को अपनी टीम में रखा है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो बैटिंग सेक्शन से मैंने जेसन रॉय को लिया है, पोलार्ड को लिया है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यहाँ पर एक डिफरेंशियल खिलाड़ी पेरिस को अपनी टीम में लिया, आप चाहें तो इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, अगर पहले बैटिंग आती है यहाँ पर रॉयल्स की तो यहाँ पर डेविड मिलर भी अच्छा विकल्प बन जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर नारायण और होल्डर को लिया, कॉनवेल खेलते हैं तो एक डिफरेंशियल पिक बन सकती है, ट्राई किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से तीक्ष्णा को लिया, समील खेल को लिया, यहाँ पर मैकॉय को लिया, फाइनल खिलाड़ी में हमने यहाँ पर महाराज को लिया, तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन किया सुनील नारायण को, वाइस कैप्टन किया निकोलस पूरन को, डीकॉक भी एक कैप्टन वाइस कैप्टन की काफी अच्छी चॉइस बन जाते हैं, उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, सो टीम वन हमारी ये बन जाती है जिसमें हमने नारायण को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन निकोलस पूरन को किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें, सो नारायण को ही कैप्टन किया और वाइस कैप्टन हमने डीकॉक को किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पर हमने
नारायण को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन हमने समाल खेल को रखा हुआ है। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए क्रिएट किया है उसमें हमने यहाँ पर नारायण को कैप्टन करके पूरन को वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।